दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन जो आपके आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसका एक वीडियो मैंने पहले भी कल दिया था, ठीक है, वो भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा, उससे थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वाटर को UWRAP लिखा जाता है तो उसी भाषा में जूस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। वाटर को ये लिखा जाता है तो जूस को क्या लिखा जाएगा। अभी हमको इन दोनों में रिलेशन पहले देखना है कि क्या है, ठीक है। जैसे W से अगर U में हम रिलेशन देखें तो कितना होगा, W से U यानी पहले है, ठीक है। W से जो U आता है वो पहले आता है, तो कितना पहले आता है, -2, ठीक है, दो पहले आता है। ए के बाद अगर यहाँ पर हम W देखें, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड में ए है और यहाँ पे सेकेंड में W है, तो ये देखें तो अगर, ठीक है, तो ये कितना यहाँ पे बाद में आता है, तो ए के बाद W आता है +22 में, ठीक है, +22 कीजिएगा तब W आएगा। फिर टी के बाद R के कब आता है, तो -2 करेंगे टी में तो R आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ई है, ई के बाद यहाँ पे ए है, तो ए कब आता है, ई के बाद अगर ए करेंगे तो जेड के बाद फिर ABCD से पढ़ेंगे, ठीक है, तो कितना पर आएगा, फिर ये +22 पे आएगा। यानी रिलेशन यहाँ पे बन रहा है -2 और +22 का रिलेशन बन रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर भी जो ये जूस लिखा गया है, ठीक है, जूस को भी वैसे ही निकाल देना है। तो जैसे चलिए देखिए, ठीक है, जे है, जे में अगर हम यहाँ पे -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एच वाले ऑप्शंस को लेकर चलेंगे, तो ए बी और डी में एच है, ठीक है, तो हम रखेंगे, बाकी ये सी ऑप्शंस का हमारे पास काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यू देखिए, यू में अगर हम यहाँ पे 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यू में अगर हम 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू अभी इन दोनों में है, ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम साइड में रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए आई है, आई में अगर हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी, ठीक है, जी इन दोनों में है तो फिर दोनों रखेंगे। उसके बाद सी है, सी में अगर +22 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है, तो वाई इसमें है और इसमें ए है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत है, सी यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए चलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप हमसे पूछ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इनपुट को EZLQP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मेथड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आगे और भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, अलग प्रकार का, ठीक है, इनसे हटके थोड़ा, तो वो भी देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए अंत तक, ठीक है। देखिए इनपुट है, तो इनपुट के यहाँ पर हम आई से, ठीक है, ई में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर अगर -4 करेंगे तो ई आता है, ठीक है, आई का, आई से अगर -4 करेंगे तो ई आता है। एन के बाद क्या है, जे है, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे जे है, तो एन से जे में कितना, फिर -4 करेंगे तो ही यहाँ पे जे आ जाएगा, फिर पी से एल, फिर -4 करेंगे तो यहाँ पे एल आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी इन दोनों का रिलेशन है -4 का, ठीक है, -4 का रिलेशन है, तो -4 का रिलेशन करके मेथड को भी आपको निकाल देना है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार एम में अगर, ठीक है, एम जो है, एम में अगर -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एम में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, तो आई वाले ऑप्शंस को हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारे को ऑप्शंस को हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन है, ये हमारा गया, इसमें नहीं होगा। फिर ई है, ई से अगर -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अभी हम ए वाले ऑप्शंस को रखेंगे, ये बी है, ये भी गया, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन अभी हमारे पास है। अभी देखिए फिर उसके बाद क्या है, टी है, टी में अगर -4 करेंगे तो कितना आएगा, पी आएगा, पी दोनों में है तो दोनों में रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ए है, ए है, पी है, पी है, डी है, डी है, के है, के है, और लास्ट वाला ऑप्शन सिर्फ एक चेंज है, जेड और ए, ठीक है। तो हम सीधा लास्ट वाले ऑप्शंस में ही -4 कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट वाले ऑप्शंस देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे डी है, ठीक है, डी है, डी में अगर -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टॉप को NOZ के लिखा जाता है तो उसी भाषा में पिंक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए स्टॉप को एस के बाद क्या है, एन है, ठीक है, कितना हुआ, -5 करेंगे तो एन आ जाएगा। उसके बाद टी के बाद क्या है, ओ है, इसमें भी -5 करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद ओ के बाद क्या है, जे है, इसमें भी -5 कीजिए आ जाएगा। पी के बाद के है, -5 करिए आ जाएगा, ठीक है। अब पिंक जो है इसमें भी आपको -5 करके आंसर निकाल देना है, डी आंसर हमारा गया, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए पी है, पी में यहाँ पर -5 करेंगे हम, तो पी में -5 कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, पी में -5 कीजिए तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, पी से पहले क्या हो जाएगा, ठीक है, ओ, उसके बाद एन, ठीक है, उसके बाद एम, उसके बाद एल, उसके बाद के, यानी के आ रहा है, के से जो शुरू होगा वो हमारा ऑप्शंस होगा, ये गया। उसके बाद दो ऑप्शंस हमारे पास है, उसके बाद देखिए आई,
आई में माइनस फाइव कीजिए तो कितना आ जाएगा, आई में माइनस फाइव करेंगे तो डी, डी किस में है, ये है, ये भी ऑप्शन गया हमारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के डी आई पिंक को के डी आई लिखेंगे उसी भाषा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जूलॉजी को, ठीक है, जे एन एम आई के बी एस लिखा जाता है तो उसी भाषा में हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, जेड को जेड है, ओ के बाद एन है, फिर एम है, तो जेड सो जेड नो चेंजेस जीरो चेंजेस, ठीक है, उसके बाद ओ के बाद एन है, ठीक है, यानी ओ के बाद एन है तो कितना चेंजेस हुआ, प्लस माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस वन का चेंजेस हुआ, ठीक है, माइनस वन का चेंजेस हुआ ओ के बाद एन है, क्योंकि एन पहले आता है उसके बाद ओ के बाद एम है, फिर कितना ओ के बाद एम है तो कितना चेंजेस हुआ, माइनस टू का हुआ। उसके बाद देखिए एल के जगह पे, ठीक है, यहाँ पे एल के जगह पे चौथा अक्षर यहाँ पे आई है, ठीक है, तो यहाँ पे एल जो है वो कितना है, यानी माइनस थ्री के हुआ, यहाँ पे माइनस थ्री, यानी यहाँ पे जो रिलेशन बनना है माइनस जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, सिक्स तक का रिलेशन, सेवन तक का रिलेशन बनना है, माइनस सेवन तक का। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे हिस्ट्री का भी निकालेंगे, ठीक है, एच है क्योंकि एम शुरू में एच है, यहाँ पे फर्स्ट में एच है तो यहाँ पे फर्स्ट अक्षर चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एच है तो इसमें भी एच रहना चाहिए। अभी देखिए ये दोनों ऑप्शन हमारा गया क्योंकि इसमें इसमें जी है शुरू में और इसमें क्यू है, ये दोनों गया, अभी बच गया एच और एच। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ के बाद यहाँ पे माइनस टू है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट में जो है ओ से यहाँ पे एन में माइनस वन कम हो रहा है, ठीक है, माइनस वन, तो आई जो है आई में भी हम माइनस वन करेंगे तो एच आ जाएगा। ठीक है, तो एच किस में है, इसमें है, तो हमारा बी आंसर सही है, ये गलती है क्योंकि इसमें यहाँ पे क्यू आ रहा है। ठीक है, बी आंसर हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को ओ एम एच टी आर ई लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फेवर को क्या लिखा जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे दो दो अक्षर को यहाँ पे हम पकड़िए, ठीक है, एम ओ टी एच ई आर, ठीक है, ओ एम एच टी आर ई, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला अक्षर एम, ठीक है, एम है वो सेकेंड वाले स्थान पे यहाँ पे आ गया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो ओ है वो पहले वाले स्थान पे आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए टी वाला है थर्ड है तो वो फोर्थ पे चला गया है, और ये फोर्थ पर है तो थर्ड पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ई है, ई तो ई यहाँ पे लास्ट में चला गया है, और उसके बाद आर है तो आर एक पहले आ गया है। ठीक है, यानी शुरू वाला जो दो अक्षर है आपस में चेंज हो रहे हैं। तो ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, एफ ए है तो ए एफ हो जाएगा, ए एफ देखिए किस में है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा गया है क्योंकि इस दोनों ऑप्शन में ए एफ नहीं है। ठीक है, अभी ये दोनों को हम लेकर चलेंगे, उसके बाद वी ओ है तो ओ भी हो जाएगा, ओ भी किस में है, इसमें है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को पी एस ओ जेड जी पी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डिजिट्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी इसको देखिए क्वेश्चंस को, एन से पी करेंगे तो कितना प्लस टू करना पड़ेगा। ठीक है, एन से अगर पी करेंगे तो एन ओ पी, ठीक है, प्लस टू करना पड़ेगा। यू से अगर एस में जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, माइनस टू करना पड़ेगा यू से एस में, क्योंकि एस टी यू, ठीक है, तो माइनस टू। और उसके बाद थर्ड में भी देखिएगा एम है और ओ है, ठीक है, एम से अगर ओ में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस टू, यानी यहाँ पे प्लस टू और माइनस टू का रिलेशन बनना है, सिंपल है। उसके बाद डी डी है, ठीक है, डी में आपको प्लस टू करना है, डी में प्लस टू करेंगे तो एफ, ठीक है, एफ वाले ऑप्शन जितना भी होंगे उस पर हम काम करेंगे। बी ऑप्शन डिलीट हो गया, हमारा तीन ऑप्शन है एफ वाला, ये तीनों को हम काम करेंगे। उसके बाद आई है, आई में माइनस टू करना है क्योंकि प्लस टू उसके बाद माइनस टू का है, माइनस टू करेंगे तो जी आ जाएगा, जी वाले ऑप्शन, उसके बाद एफ से जी जितना भी होंगे वो हमको काम में लेना है। तभी देखिए ये दोनों ऑप्शन में जी है, ये ऑप्शन भी हमारा गया। उसके बाद जी है, ठीक है, जी में क्या करेंगे, फिर प्लस टू करेंगे तो आई आ जाएगा, जी एच आई, आई किस में है, इसमें है, ये ऑप्शन भी गया, सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सी सही है। अब दोस्तों एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आर एक्स आई एस सी एन का कोड क्या होगा, इस तरह का कोड आपको दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह का कोड आपको दिया रहता है और उसी कोड के हिसाब से आपको लेटर और इसके नीचे जो कोड है इन दोनों को मैच करके जो भी कोड होता है उसको बनाना होता है। जैसे देखिए आर एक्स आई एस सी एन है तो आर है, ठीक है, आर यहाँ पे कहाँ है, यहाँ है, आर के जगह पर क्या है, फोर है, तो यहाँ पे फोर वाला जो भी होगा वो सही होगा। देखिए तो ये डॉलर का निशान वाला ये तो गया, उसके बाद ये फोर है, ये फोर है, ये फोर है, ठीक है, तो फोर वाला तीन ऑप्शन हमारे पास रहेगा। उसके बाद एक्स है, एक्स कितना में है, ठीक है, एक्स इसमें देखिए एक्स यहाँ पर है, उसके जगह पे डॉलर का साइन है तो डॉलर, देखिए डॉलर साइन तीनों में रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आई है तो आई के जगह पर कितना है, फाइव है, ठीक है, फाइव वाले जो होगा, ठीक है, एस डॉलर फाइव, यानी ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, डी क्योंकि इसमें डबल डॉलर है, इसमें भी डबल डॉलर, ये नहीं होगा, ठीक है,
और ये सही राइट आंसर हमारा डी है। तो दोस्तों ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जितना कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।